अच्छे जो माताएं बहने हमारे यहाँ पर है। Hello. हमारे सभी अतिथिगणों का हमें मंच और बाबा केदार यहाँ पर विराजमान हैं। आज पहली बार नोएडा के इस विशाल प्रांगण में और हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि और हमारे इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय जो कि लोकप्रिय डॉक्टर भी हैं और राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुकाम जिन्होंने हासिल किया है, आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जो हमारे गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं और सांसद के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हमारे डॉक्टर शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ जोरदार तालियों देखो, तालियों की आवाज और ज्यादा। जरा अश्वाल जी थोड़ा आगे फ्रंट से हट जाएं आप लोग। हवा हवा का रुख थोड़ा सा, हवा को रोकने के लिए हो रहा था। बोलिए बाबा केदारनाथ की, बोलिए महादेव की, बोले भोलेनाथ की। डॉग साहब का नाम भी महेश है, आप जानते हैं कि देखिए अस्पताल का नाम है कैलाश और उनका नाम है महेश और उनके छोटे भाई हैं गणेश, तो देखिए कितना बड़ा संयोग है कि महादेव का दरबार लगा है और महेश जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो आइए मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, ये हमारी टीम डॉक्टर साहब उत्तर काशी से आए, गंगोत्री से पूरी काशी विश्वनाथ है, उत्तर काशी में भी है, देखिए एक काशी उत्तर में भी है, एक काशी विश्वनाथ बनारस में है और एक उत्तर काशी, काशी का मंदिर बहुत बड़ा उत्तर काशी में है, तो वहां से हमारी टीम आई हुई है अजय पुरी जी के साथ। आप सभी लोग दो मिनट जरा महेश जी थोड़ा जरा बाबा केदारनाथ का सानिध्य, मां नंदा सुनंदा का आशीर्वाद और देवभूमि उत्तराखंड की इस संस्कृति को, इस माया नगरी नोएडा गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद में पिछले 10 वर्षों से जिस भव्य कौथिक का आयोजन हमारी छोटी बहन कल्पना और भाई राजेंद्र जी लगातार करते चले आ रहे हैं, मैं यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में नहीं हूं बल्कि उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में हूं। भाई नरेंद्र विष्ट जी, भाई महेश नेगी जी, भाई हनुमान जी, भाई आदित्य घिल्डियाल जी मेरे साथ आए, भाई ओमकार भाटी जी, संजय बाली जी और ये मेरे काशी विश्वनाथ उत्तराकाशी गंगोत्री से जो लोग आए हुए हैं मेरे सामने बैठी इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति में आपके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं।
बाबा केदार का रिश्ता भी भाई राजेंद्र जी बता रहे थे। अच्छा ये बताओ, अगर महेश के पिताजी का नाम क्या होगा? कैलाश। और महेश की पत्नी का नाम क्या होगा? उमाई है, बदला हुआ नहीं है, बदला हुआ नहीं है, उमाई है। और बेटा कार्तिक। तो बाबा केदार का परिवार और केदार की सानिध्य में हम यहाँ खड़े हैं। मैं बधाई देता हूं उन सभी को। देवभूमि से मेरा एक विशेष लगाव रहा था, बद्री विशाल से लेकर केदार तक, और देहरादून में एक अस्पतालों की श्रृंखला बनाने की योजना जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी काम कर रहा है। 39 वर्षों से मैं भी इस शहर में रह रहा हूं और आपकी वजह से जहां मैं पहुंचा हूं, एक ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपने मुझे चार चार मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनने का मौका दिया। मैं आपका कर्जदार हूं, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। देवभूमि के लोगों ने हमेशा मुझे प्यार दिया है, एक परिवार भाव से प्यार दिया है। और मैं भी ये विश्वास दिलाता हूं सभी को, भाई राजेंद्र जी, बहन कल्पना जी, भंडारी जी हमारी बहन, कि मैं आपके साथ, आपके सुख दुख में जिस लायक भी आपने मुझे बनाया है, मैं खड़ा हूं आपके साथ। और उत्तराखंड की घनी संस्कृति, उत्तराखंड के लोगों को, जब मैं संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री था तो वहां के देहरादून के हवाई अड्डे से लेकर और हवाई अड्डा डेवलपमेंट और वहां की संस्कृति को किस तरह हम विश्व पटल पर ले जाएं, सिर्फ देश में ही नहीं विश्व पटल पर कैसे ले जाएं। आज चार धाम हमारे उत्तराखंड में है। कितना बड़ा स्पिरिचुअल सर्किट गडकर जी ने, कितनी बड़ी सड़कों का जाल वहां बनाया है। और ये सौभाग्य हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मिला है कि बाबा केदार का जीर्णोद्धार करने का अगर मौका किसी को मिल जाए तो उससे बड़ा धन्य और कौन हो सकता है। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम, अयोध्या में राम मंदिर, उत्तराखंड में बाबा केदार धाम, और अब इसी संपूर्ण विकास को लेकर साथ चलने का मौका ऐसे प्रधानमंत्री जी को मिला है। हम सबका प्यार दुलार उनके साथ है, आप सबका आशीर्वाद उनके साथ है, बाबा केदारनाथ का विश्वास आशीर्वाद उनके साथ है। मैं विश्वास दिलाता हूं अपने उत्तराखंड की भूमि से आए भाई बहनों के लिए कि मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा। और अब कल्पना भाई, आदर राजेंद्र भाई, अब ये कौथिक यहीं रहेगा, अगर आपको कहीं दोबारा करना हो महाकौथिक, अब इसको यहीं करना, इसको आप हर साल का एक फीचर बना दो कि हर साल यहीं मनेगा। बाकी आपको और भी कहीं मनाना तो हम रोक नहीं रहे, और जगह भी मनाओ, लेकिन ये गौतम बुद्ध नगर ये देश में नहीं विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, इतने बड़ी बड़ी चीजें इस शहर में बनेगी, दिल्ली के पास होने से इसको एक नई पहचान भी मिलेगी और इस क्षेत्र को भी आपके इस कौतुक की वजह से पहचान मिलेगी। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बाबा केदारनाथ की, माता सुनंदा नंदा की, और राजेंद्र चौहान और बहन कल्पना की। एक पहाड़ी टोपी हमारे सचिव हरेंद्र शर्मा जी, टोपी पहनाने में वो पहले भी उनका नंबर है। और एक बाबा केदार का स्मृति चिन्ह महाकौथी की ओर से भेंट करें श्रीमती इंदिरा चौधरी जी, जो कि हमारी कार्यक्रम संयोजिका है, मंच पर आए आप भी, और स्मृति चिन्ह लेकर के आए श्रीमती इंदिरा चौधरी जी, जो कि धर्म पब्लिक स्कूल की चेयरमैन हैं और हमारे कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका हैं, कार्यक्रम संयोजिका हैं। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बिष्ट जी, और आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। चंदन गुसाई जी, कृपया मंच पर आ जाएं आप भी। अभी बहुत सारे लोग हैं क्योंकि आज हमें सुबह इतना बड़ा जन सैलाब आ जाएगा, सुबह के समय हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप सभी का पुनः आभार।
बाबा केदारनाथ धाम का स्मृति चिन्ह भेंट कर रही हमारी टीम। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत पुनः धन्यवाद।